फर्स्ट लॉ की एक्सप्लेनेशन। तो बेटा ये न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, फर्स्ट लॉ। चलिए बेटा एक्सप्लेनेशन प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में, जब तक फोर्स ना लगे। तो बेटा देखिए क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चे, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, डीवी बटे डीटी, डीवी बटे डीटी, ठीक है बेटा। और यदि कोई बॉडी, देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये क्या जाए जीरो, क्या जाए बेटा जीरो हो जाए, ठीक है। इसको आप यहां भी कर सकते हो, देखिए एम एज इट इज बेटा, डी बाय डी टी बाहर, वेलोसिटी क्या होता है बेटा आपका डी एक्स बाय डी टी, क्या था बेटा डी एक्स बाय डी टी, ये क्या बन सकता है फोर्स बराबर आपका आ जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर, क्लियर है। ये आ गया, ये क्या है पोजिशन डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, सभी को पता है। तो कहता है कि फोर्स क्या हो, फोर्स क्या हो जाए एक्सटर्नल जीरो, तो बेटा एक्स क्यों जाएगा, एक्स क्यों जाएगा कांस्टेंट, क्या जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि जो जहां है वो रहेगा, अरे जहां है वो रहेगा, इसका मतलब दो किलोमीटर पर दो पे खड़ा तो क्या वो कांस्टेंट, इसका मतलब कि है इट मींस बॉडी कहां है एट यस एट रेस्ट, भी बॉडी रेस्ट में है, आ गया। दूसरा क्या कहा था मोशन में, तो आ जाओ ये बेटा, जब यू जीरो कर दिया तो यू भी तो क्या जाएगा बेटे, आ भाई विनय एम डीवी बटे डी टी, ये भी क्यों जाएगा जीरो। बेटा मास तो कभी जीरो होती नहीं, मास कभी देखो दो चीजों की गुणा जीरो, ये तो मास कभी जीरो होती होती नहीं बेटा, क्या रह गया सिर्फ यहां डीवी बटे डी टी जाएगा मेरे बेटा, बराबर क्यों जाएगा जीरो। किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, जब वो चीज क्या हो कांस्टेंट, किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है बेटा, जब वो चीज कांस्टेंट हो। तो मेरे बेटा ये बात याद रखना है, किसी का भी डिफरेंशिएशन यदि ये चीज क्या हो मेरे बेटा कांस्टेंट हो तो क्या हो जाता है जीरो। तो इसका मतलब है ये जीरो रहा तो वी क्यों रहा, वी क्यों गया कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट का मतलब क्या है यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी किसमें है मोशन में, तो बॉडी किसमें है बेटा बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, किसमें बेटा यूनिफॉर्म, यही तो कह दिया न्यूटन ने पहले नियम में कि रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब जब तक क्या ना लगे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, क्लियर है बेटा। ये था आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है बेटे। अब आ जाओ न्यूटन का सेकंड लॉ, देखिए बेटा सेकंड लॉ क्या था मेरे बेटा, वो कहता है ये प्रूफ करना है कि एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी, ठीक है बेटा। अब मैं तो पता ही है मोमेंटम क्यों हो गया बेटा, मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो यहां जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे डीपी बाय डी टी का, देखना बेटा क्या होगा, डी बाय डी टी एज इट इज एम इंटू वी, किस चीज का डिफरेंशिएशन होता है, जो चीज चेंज हो सकती है, मास चेंज हो सकती है नहीं, वही रहेगा। तो एम कहां आएगा बाहर, एम आ जाएगा बाहर, क्या बन गया डीवी बटे में डी टी। हाँ भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अरे बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यस एक्सेलरेशन, तो क्या बन गया विनय मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा फोर्स, आ गया ये कि जो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है या एक्सटर्नल फोर्स होता है बेटा, वो डिपेंड करता है किसके डायरेक्टली है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मैंने इसका एग्जांपल बताया था, दो बच्चे धक्का देंगे फिर तीन देंगे फिर चार देंगे, चार देंगे ज्यादा तेज जाएगी बॉडी, क्लियर है बेटा। और सुनिए अब आ जाओ बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ, बेटा क्या है थर्ड लॉ,
ये क्या बताया था, एक्शन एंड रिएक्शन, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल राइट बात है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, सिस्टम में दो पार्टिकल है, एक ए पार्टिकल है और एक ए पार्टिकल है, एक ए है और एक बी है। बी ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है और बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ए जो है किसके ऊपर लगा रहा है फोर्स, बी के ऊपर, और ये बी लगा रहा है किसके ऊपर, ए के ऊपर। दोनों क्यों होंगे इक्वल एंड अपोजिट, क्या होगा बेटा इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट कितना हो जाएगा, जीरो। एफ ए बी किसके बराबर है बेटा, माइनस एफ बी ए, तो दोनों फोर्स क्या है इक्वल एंड अपोजिट, तो ये एक्शन और ये रिएक्शन है। ठीक है बेटा, तो एक्शन और रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन एक बात याद रखना है, एक्शन और रिएक्शन जो होती है बेटा वो दोनों अलग अलग बॉडी पे लगती है। अलग अलग का मतलब पता क्या होता है, जैसे बुक रखी किस पे, टेबल पे, बुक तो किस पे लगा रही है, टेबल पे, टेबल किस पे लगा रही है, बुक पे। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होगी। ठीक है बेटा, ओके। तो ये था बेटा आज, अब ये तीनों लॉज थे बेटा।